नहीं मिला है। अगर कोई दे सकता है तो वो सिर्फ सुरूरी साहब है, क्योंकि सुरूरी साहब आपके अपने हैं, जिनके आगे आप अपनी हर बात रख सकते हैं। दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति आपकी बात को नहीं सुन सकता है, लेकिन आपका घर का व्यक्ति जो है वो आपकी बात सुनकर आपकी बातों को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप जानते हैं कि गुलाम नबी आजाद साहब ने अपने 2.5 साल के टेन्योर में जो काम किए थे, जो आपके चिनाब वैली के लिए, बद्रवा के लिए, डोडा के लिए जो उन्होंने काम किए थे, वो काम आप सब बताते हैं। हमें आज यहाँ पे 15 दिन हो गए और 15 दिन में हमने लोगों से सुना है कि किस तरह के काम जो है वो आजाद साहब ने किए हैं। और अब यहाँ पे सुरूरी साहब जो कैंडिडेट है हमारी पार्टी के, आप उनको विजय बनाएंगे अपना वोट देकर, और वो आपके कामों को अंजाम देंगे, वो भी दिल्ली की पार्लियामेंट में। क्योंकि आप जानते हैं कि सुरूरी साहब एक ऐसे व्यक्तित्व के मालिक है जिन्होंने पहले भी मंत्री रहकर आपके बहुत सारे काम किए हैं। आप किसी और पार्टी को वोट देते हैं जिनको आपने पहले भी आजमाया है, उन्होंने आपके कोई काम नहीं किए हैं जो हम इस 15 दिन के कार्यकाल में यहाँ पे देख चुके हैं। अब हम आपसे ये कहना चाहते हैं, आपसे ये निवेदन है कि आपका कीमती वोट जो है उसको जाया ना करें, उस कीमती वोट को अपने चहेते कैंडिडेट को दे दीजिए ताकि वो आपकी नुमाइंदगी करे। पार्लियामेंट में किसी ऐसे व्यक्ति को भेजना चाहिए जो अपनी आवाज को बुलंद करे और अपने लोगों के काम करवाए, ना कि वहां पे डम्मी को रखा जाए। जैसे आपने देखा कि पिछले 10 सालों में जो डम्मी हमने चुनकर पार्लियामेंट में भेजी थी, उन लोगों को बोलना भी नहीं आता था। हमारे सुरूरी साहब जो कि अपनी बोल चाल के बहुत ही धनी हैं, जिन्हें बोलने में महारत हासिल है और अपनी बातों को मनवाना उन्हें भली भांति आता है। मैं आप सब भाइयों से यहाँ पे कहना चाहूंगी कि पिछले 10 सालों में जो जुल्म सितम आप लोगों ने सहे हैं, उनकी काट अगर है तो वो सिर्फ सुरूरी साहब के पास है। हमारी पार्टी के नुमाइंदे जो कि पार्लियामेंट में आप लोग जिताकर भेजेंगे, उनको इतना आप मजबूत बनाकर भेजिए ताकि आप अपने कामों को करवा सके। मैं ज्यादा भाषण नहीं दूंगी, बहुत सारे हमारे सीनियर नेता बैठे हैं, लेकिन बस एक ये निवेदन है कि अपनी ताकत जो है, आपकी वोट की ताकत जो है, उसे सही जगह इस्तेमाल करिए और सुरूरी साहब को विजय बनाइए। जय हिंद, जय भारत।